हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वीटी किचन। आज हम बनाने वाले हैं हैदराबाद की एक बहुत ही फेमस स्वीट डिश जिसका नाम है हैदराबादी डबल का मीठा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हैदराबादी डबल का मीठा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ऐसे दो स्लाइस व्हाइट ब्रेड ली हूँ, शुगर, क्रश किया हुआ काजू, आलमंड्स, थोड़े से केसर के धागे, थोड़े से छोटे इलायची की पाउडर, अमूल मिठाई में और थोड़े से दूध। पहले ब्रेड के साइड वाले पार्ट्स को ऐसे कट करके निकाल देंगे। अब हम ब्रेड को बीच में से काटेंगे, स्क्वायर शेप में कर लेंगे। हमारे सारे ब्रेड सब कट के रेडी हो चुके हैं। इसे ब्रेड को कट करने के बाद लगभग 10-15 मिनट के लिए हमें उसे फैन के नीचे रखना है ताकि वो थोड़े से ड्राई हो जाए। अब हम इसे कढ़ाई लेंगे, गैस ऑन करेंगे, देसी घी डालेंगे। घी गर्म होते ही हम गैस को स्लो फ्लेम में करेंगे। ब्रेड भी एक एक करके घी में फ्राई करेंगे। इसके बाद हम ब्रेड को पलट लेंगे। ब्रेड को ऐसे कट करके 10-15 मिनट के लिए हम ड्राई कर लेंगे तो ये ज्यादा घी हमारा ऑब्जर्व नहीं करेगा। आप उसको ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन देसी घी में ये ज्यादा टेस्टी रहता है। हमारा ब्रेड अब अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर हो चुका है, हमें ऐसे ही उसको फ्राई करना है। अब उसको हम एक प्लेट में निकाल देते हैं। अब हम चाशनी बनाएंगे, उसके लिए हम ऐसे एक सॉस पैन लेंगे, गैस ऑन करेंगे, एक कप के करीब हम पानी डालेंगे। पानी बॉइल होते ही हम गैस को स्लो फ्लेम में करेंगे। 2 चम्मच के करीब हम शक्कर डालेंगे। चाशनी को ऐसे हम मीडियम फ्लेम में डालने के लिए छोड़ेंगे जब तक के वो थोड़ा रिड्यूस होके कम ना हो जाए। और इसके लिए हमें पतला चाशनी ही चाहिए, ज्यादा मोटा नहीं चाहिए। अब हम रबड़ी बना लेते हैं। इसके लिए ऐसे और एक सॉस पैन लेंगे, गैस को ऑन करेंगे, 1/2 ग्लास के करीब हम इसमें दूध डालेंगे और दूध को थोड़ी देर बॉयल होने के लिए हम छोड़ेंगे। दूध हमारा अच्छे से बॉयल हो चुका है। अब हम उसमें 1 चम्मच के करीब शुगर, 1 चम्मच के करीब हम डालेंगे इसमें कंडेंस मिल्क। सब चीजों को अच्छे से हम मिला लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे अपने केसर के धागे। ये देखिए, हमारा चाशनी भी अब बन के रेडी हो गया है। अब हम इसको साइड में रखेंगे। हम अपने रबड़ी में अपना ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, काजू, थोड़े से क्रश्ड आलमंड्स। हमें दूध को ऐसे ही स्लो फ्लेम में चलाते हुए पकाना है। अपने रबड़ी में इलायची पाउडर डाल देंगे, इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए, हमारा रबड़ी भी अब रेडी हो चुका है। अब हम ऐसे एक सॉस पैन लेंगे, उसमें फ्राई किए हुए ब्रेड को एक एक करके ऐसे सजा के रखेंगे। अब इसके बाद हम अपना रेडी किए हुए चाशनी को ऐसे डाल देंगे, रेडी किए हुए रबड़ी को भी इसमें अच्छे से डाल देंगे। अब इसको हम गैस में बिठाएंगे। गैस को हम सिम में ही रखेंगे, जैसे कि हमारा ब्रेड अच्छे से चाशनी और रबड़ी को अपने अंदर सोक कर ले। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ब्रेड अच्छे से चाशनी और रबड़ी को सोक कर लिया है। अब मैं आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ। रेडी हो गया हमारा हैदराबादी डबल का मीठा। आप इसको घर में एक बार जरूर ट्राई कीजिए और मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा।